नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे ज्यादा सर्चेबल टॉपिक जो मेरे चैनल का रहा है, जियो फाइबर का सेट टॉप बॉक्स के एप्लीकेशन के बारे में कि कैसे उसके में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। कई सारे आपके कमेंट्स, कई सारे इश्यूज आपके हमेशा आते रहे हैं जिसपे मैंने मल्टीपल टाइम्स कई सारे वीडियो बनाए भी हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन चार टॉपिक्स के बारे में कि उन चार टॉपिक्स को अगर आपका जो सेट टॉप बॉक्स है वो उस पर अलाउ करता है तो ही आप जो मेरा वीडियो देख करके उसको सारे प्रोसेस को फॉलो करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चार स्टेप आपके वो आपका सेट टॉप बॉक्स फॉलो नहीं करता तो ये मेथड ट्राई मत करिए, क्योंकि इस मेथड वो मेथड उस समय के लिए था जब मैंने वीडियो बनाया था। अभी भी अगर ये मेथड ये चारों स्टेप आपके पास ये आपका सेट टॉप बॉक्स अलाउ करता है तो आप उस वीडियो के थ्रू आप अभी भी सारे चीज़ों में सारी चीज़ें एप्लीकेबल कर सकते हैं उसी जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था। एक और बात कि कैसे आप लाइव टीवी चैनल देख सकते हैं, कैसे आप M3U लिंक को चला करके कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे कोई भी चीज़ें आप देख सकते हैं, तो मैं इस पर कोई भी वीडियो नहीं बना सकता। रीज़न इज डैट क्योंकि कंपनी गाइडलाइंस यहाँ पे है, फॉलो नहीं हो पाती और इसमें मेरे को बैक टू बैक स्ट्राइक आ जाती है, तो मैं इस पर कोई भी और मल्टीपल वीडियो बना करके चैनल पे रिस्क नहीं ला सकता। इसके लिए मैंने अलग टेलीग्राम चैनल बनाया है, वहाँ पे जाकर के इसकी जानकारी ले सकते हैं। मैंने कंप्लीट डिटेल्स में सारी चीज़ें बता रखी हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाकर के सारी चीज़ों को वॉच आउट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी, कोई भी अगर इश्यूज आता है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वहाँ से आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नॉर्मल टॉपिक पे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ, अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो ये आई बटन पे मैंने उस वीडियो का लिंक दे रखा है जहाँ से मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ कि कोई भी एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने टीवी पे, अपने सेट टॉप बॉक्स पे, तो जियो फाइबर के सेट टॉप बॉक्स पे सॉरी, तो वो कैसे कर सकते हैं, वहाँ पे अगर कोई इशू अगर आ रहा है तो ये वीडियो आप देख करके उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कंप्लीट सेटअप, कंप्लीट मेथड कि क्या ऐसे चार पॉइंट्स हैं जिसको अगर आपका सेट टॉप बॉक्स अलाउ कर रहा है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अभी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहते हैं और आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे चैनल के कोई भी वीडियो आप कभी मिस नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं कंप्लीट मेथड जियो फाइबर के सेट टॉप बॉक्स के बारे में। तो दोस्तों, जो चार पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका सेट टॉप बॉक्स में अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करनी है तो आपको इन चार बातों का हमेशा ध्यान रखना होगा। पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले कि आपका जो सेट टॉप बॉक्स है वो मॉडल सी या डी, ये दो मॉडल ही हो सकते हैं। आपका अगर मॉडल आपको नहीं पता कौन सा है तो अपने सेट टॉप बॉक्स को राउंड करके देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा आपका मॉडल नंबर। अगर वो C200 या D200 है तो आप इस पे प्रोसेस करके आगे बढ़ सकते हैं और अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टेप नंबर टू, अगर आपका C और D 200 है तो आपको स्टेप टू यानी कि दूसरा मेथड एक बार आपको दूसरा प्रोसेस एक बार देखना पड़ेगा, क्या आपका सेट टॉप बॉक्स 2022 से पहले का है या 2022 का है, यानी कि आपका कोई भी सेट टॉप बॉक्स अगर सी या डी 200 है और मैन्युफैक्चर्ड बिफोर या 2022 तक का मैन्युफैक्चर है तो ही ये एप्लीकेबल हो पाएगा जो प्रोसेस मैंने बताया है। इसके बाद का कोई भी प्रोसेस अगर आप इसमें उस सेट टॉप बॉक्स में करते हैं यानी 2022 के बाद के मॉडल में तो इसमें वो फॉलो नहीं होगा और इसको छोड़ दीजिएगा। 2022 या 2022 से पहले का मैन्युफैक्चर है तो ये सेट टॉप बॉक्स पे आप पूरा प्रोसेस करके इसको फॉलो कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है ये प्रोसेस करते समय कि आपका जो सेट टॉप बॉक्स है वो रिफर्बिश्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि वो सेट टॉप बॉक्स जो कोई भी कस्टमर परचेस कर लेते हैं या यूज़ कर लेते हैं उसके बाद वो उसको जब यूज़ नहीं करते और रिकवरी में वो वापस चला जाता है तो वो फिर से कंपनी से रिफर्बिश्ड होकर आपके पास आता है। उस सेट टॉप बॉक्स में भी इसको ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि वो प्रोसेस इसमें फॉलो नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपका फर्मवेयर है वो 7.3.5 का या उससे बिलो होना चाहिए, उसके आगे का फर्मवेयर अगर आपका है तो आप इसको कोई भी प्रोसेस इसमें फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट कि 7.3.5 तक का ही फर्मवेयर ही सपोर्ट करता है, उसके आगे का फर्मवेयर आप इसको डाउनग्रेड नहीं कर पाएंगे और कोई भी प्रोसेस इसमें फॉलो नहीं कर पाएंगे। ये चार स्टेप में एक स्टेप भी अगर आपका मिसिंग है, एक भी स्टेप अगर आपका जो सेट टॉप बॉक्स है वो पूरा नहीं कर रहा तो ये डेड एंड है, इसके आगे कोई भी आप किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते सेट टॉप बॉक्स में, तो इसको ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा, आपका टाइम वेस्ट जाएगा और वो पूरा प्रोसेस भी बेकार जाएगा। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि ये चार स्टेप अगर कोई भी प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं तो इन चार स्टेप को जरूर देख लीजिएगा, अगर ये स्टेप आपके अलाउ करते हैं तो ही इसको आगे बढ़ाइएगा, अदरवाइज इसको वहीं पर रोक दीजिएगा, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है।
वैसे अभी करंट सेटअप बॉक्स के बारे में बताऊं कि आपको अभी कोई भी ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की इतनी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको बाईपास करके इंस्टॉल कर भी लेते हैं तो भी वो प्रॉपर एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स की तरह नहीं चलता है। मैंने इसको पर्सनली देखा हुआ है, तो जो सेटअप बॉक्स जिस तरह से आया है उसी तरह से उसको एंजॉय करिए। सारे OTT एप्लीकेशन सारे सब कुछ इसमें अलाउड है और नया सेटअप बॉक्स 10 times बेटर है जो पहले पुराने सेटअप बॉक्स आते थे। तो मेरा सजेशन ये है कि आप इसको प्रोसेस को फॉलो मत करिए, लेकिन आपने कई सारे रिक्वेस्ट आपकी आई थी इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और अगर जो मेरे पुराने वीडियो आप अभी भी देख रहे हैं जिसमें मैंने सारी प्रोसेस बताए हैं, तो वहाँ पे ये 4 steps जरूर देखिएगा। ये 4 steps अगर आपका सेटअप बॉक्स अलाउ करता है तो इसको उस प्रोसेस को आप आगे कर सकते हैं, अदरवाइज आपके नया सेटअप बॉक्स को ही एंजॉय करिए, क्योंकि ये 7.3.5 के ऊपर का वर्जन डेड एंड है। कहीं से भी आप कुछ भी उस सेटअप बॉक्स में नहीं कर सकते। करंट जो आपके पास में सेटअप बॉक्स मिला है उसी को एंजॉय करिए। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और उनको जरूर शेयर करिए जो इस टॉपिक को सर्च कर रहे हैं। तब तक ख्याल रखिए अपना, जुड़े रहिए मिश्रा जी के साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।